نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بابرکت موقع میں حاضری کا موقع عطا فرمایا اور آنے کے بعد بے حد خوشی ہوئی دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت العلام مولانا نعیم کوثر صاحب رشادی رفاعی نقشبندی دامن برکاتہ کو جزائے خیر عطا فرمائے ارے آمین بولو بھائی حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے آپ کا سایہ ہم تمام پر قادر قائم فرمائے آپ کے خدمت جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کے معاونین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے نہ تقدیر کا موقع ہے نہ بیان کا موقع ہے کچھ جذبات ہیں جو صحیح جذبات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے کئی مقاصد بیان کیے اس میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر انسان کا اندر اور یہ درد ایک انسان کے اندر جو ہوتا ہے دوسری انسان کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہیں اس میں یا تو مکمل نہیں یا تو کچھ جس کو کسی شاعر نے کہا درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھا کرو بیاں ایک انسان کا درد ایک انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اسی درد کے احساس کو ان شکلوں میں انسان پیش کرتا ہے اور اسلام میں خدمت کا بہت بڑا درجہ ہے آپ وہ الفاظ وہ جملے سنے ہوں گے عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے بہت جلد قریب ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے
एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, हजारों लाखों माफियात ऐसे हैं खिदमत करके इंसान अपना बेड़ा पार कर लिया। चाहे वो खिदमत इंसान की हो, चाहे वो खिदमत किसी जानवर की, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में इखलास के साथ बंदा उस खिदमत को करता है। बड़े से बड़े गुनहगार को भी अल्लाह तबारक व तआला बगैर किसी हिसाब किताब के फैसला फरमा देते हैं। आज इंसानियत, मेरे लफ्ज पर गौर फरमाए, मैं कुछ इशारे देता चलूं, आज इंसानियत खिदमत के मैदान में बहुत पीछे है, इंतहा दर्जे पर पीछे है। खून का और दूध का और अपने धर्म और मजहब का रिश्ता ना भी हो, लेकिन जो रिश्ते खून के और दूध के और धर्म के हैं, उनकी खिदमत भी आज इंसान नहीं कर रहा है। सगा भाई परेशान, जिसका खून और जिसका दूध ये, उसकी परेशानी का एहसास सगे भाई को नहीं हो रहा है। वह बहन जो घर में सबसे पहले पैदा हुई और अपने पूरे बर्तन का हक अदा की, छोटे भाइयों को मां की तरह पाला, प्यार किया, मोहब्बतें की, आज वो बहन परेशान है। छोटा भाई दौलत के बीच में खेल रहा है, लेकिन अपने सगे बहन की जरा भी फिक्र नहीं, सगे बहन का जरा भी ख्याल नहीं, जरा भी ख्याल नहीं। एक बड़ा भाई जो घर में पहले पैदा हुआ और पूरे बाप का हक अदा किया, बहनों की जिम्मेदारियां अदा किया, भाइयों की जिम्मेदारी अदा किया, जमाना करवट बदला, अब वो बहुत परेशान है। और छोटे भाई और छोटी बहनें अपनी जिंदगियों में बहुत खुश है, लेकिन अपने भाई का जरा भी ख्याल नहीं। सगे भाइयों के साथ, सगी बहनों के साथ ये हाल है आज के इस दौर में। और ये एक जुमला मेरी माए और बहने भी समझ रही होंगी और मेरे भाई भी समझ रहे होंगे, चल रहा है आज हमारे घरों के अंदर ही, हमारे खानदान में चल रहा है, हमारे माशरे में चल रहा है। आम दिनों में तो दूर की बात, खास दिनों में भी इन रिश्तों को याद नहीं करते। और अब तो सारी दुनिया में एक अजीब और गरीब माहौल है, नफ्से नफ्सी का आलम है, जहां देखे जब देखे लॉकडाउन का हाल। और लॉकडाउन ने इंसानियत को इतना कमजोर किया, किसी और हाल ने उतना इंसानियत को कमजोर नहीं किया। और ये हमारे इस इलाके की या पूरे मुल्क की हुकूमत, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कानून फौरन बना देते हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद इंसानियत कितनी परेशान होती है और हुई है या होगी, उनको क्या पता, जिनके ऊपर रोजाना लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। बड़ी आसानी के साथ लॉकडाउन का ऐलान, और लॉकडाउन में इंसानियत की कस्म कुर्सी, लॉकडाउन में इंसानियत की परेशानी सब पर आया है, सब जानते हैं। और इसमें भी यही हाल, सगे भाई का ख्याल नहीं, सगी बहन का ख्याल नहीं। और हजरत मौलाना मुझे माफ फरमाए और हजरत मौलाना अब्दुल कबीर साहब मुझे माफ फरमाए, अब तो ऐसा हाल है कि भाई बहनों का हक अदा करना तो दूर की बात, जिस बाप के खून से आज बच्चा पैदा हुआ, जिस माँ के दो
जिनके दिलों में हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन के जज्बे हैं, वो चाहते हैं दुनिया जैसी भी हो हमें काम करना है, पैगंबर के फरमान के मुताबिक हमें काम करना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के मुताबिक हमें काम करना है, हजरत उमर फारूक के फरमान के और जिंदगी के मुताबिक हमें खिदमत ऐसी करना है जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया, जैसे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने किया, जैसे हजरत अली करम अल्लाह वजहु ने किया। आज भी ऐसे अफराद हैं, मैं सच कहता हूँ कि ऐसे अफराद की रूए जमीन से अल्लाह ना करे खत्म हो जाए तो फिर कयामत आने में देर नहीं लगेगी। इन्हीं अफराद में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक फर्द कामी हजरत मौलाना नईम कौशर रसावी दामत बरकातहू की शक्ल में हमको अता फरमाया। इस दौर में सगे भाई का दर्द नहीं, सगी बहन का दर्द नहीं, मामा का दर्द नहीं, चचा का दर्द नहीं है, और वो काम जो हुकूमत के जिम्मे है, रियासती हुकूमत के जिम्मे है, वो काम जो मुल्क की हुकूमत के जिम्मे है, वो हुकूमत जब नाकाम हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अपराध से काम ले रहा है। ये मामूली काम नहीं है मेरे दोस्तों। मुख्तसर बातें हजरत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब दावत बरकातहू बयान फरमा कर गए। एक है किसी को 25 किलो चावल देना, ये भी बहुत अच्छा काम है। 5 किलो शक्कर देना, ये भी बहुत अच्छा काम है। 2 लीटर तेल देना, बहुत अच्छा काम है। एक है वो काम, चावल नहीं, शक्कर नहीं, दाल नहीं, बल्कि उसे ऐसे रास्ते में लाकर खड़ा कर देना कि वो अब लेने वाला नहीं, कुछ मेहनत करके कुछ दिनों के बाद वो देने वाला बन जाए। इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े हजरात बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में कई मजाहिब हैं, एक मजहब है जिन जैन मजहब। जैन मजहब में एक कानून है, क्योंकि बंगलौर शहर के अंदर कई जैन मजहब के लोग मेरे माहौल में रहते हैं, मेरे दोस्ती में रहते हैं, तो एक साहब कहने लगे कि गुरु जी हमारे मजहब में दूसरी कौम के लोगों को तो हम सदका खैर खैरात करते हैं, लेकिन हमारे अपने कौम का अगर कोई आता है मांगते हुए तो हम उसे पैसा नहीं देते। समझ रहे हैं आप लोग? अरे समझ रहे हैं? अरे मुझे भी हलो बाबा, समझ रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, कुर्बा भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, कई मजाहिब है हिंदुस्तान के अंदर। सारी दुनिया के अंदर वाहिद ये मुल्क है जहाँ पर एक मजहब या दो मजहब के लोग नहीं, कई मजाहिब के लोग रहते हैं। इसीलिए जब दूसरी कौम वाले क्या है मैं नहीं जानता, हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जब हिंदुस्तान में खिदमत करना चाहता है तो वो सिर्फ इंसानियत देखता है, मजहब नहीं देखता, क्योंकि भूख का कोई मजहब नहीं, दर्द का कोई मजहब नहीं, तकलीफ का कोई मजहब नहीं। रब्बे काबा की कसम, उलमा के बीच में एक तालिबे इल्म की हैसियत से बोल रहा हूं मैं, आप पूछ ले बड़े बड़े अकाबिर उलमा इकराम से, एक मुसलमान भूखा और प्यासा अगर आता है हमारे सामने, उसे अगर हम पेट भरकर खाना खिलाते हैं, उसको पेट भरकर खाना खिलाने से हमको जो सवाब मिलता है, खुदा वहदहु लजली की कसम, इस मुल्क का कोई हमारा हिंदू भाई भी भूखा आ जाए उसे भी पेट भरकर खाना खिलाने में उतना ही सवाब मिलेगा जितना मुसलमान में खिलाने पर सवाब है। कोई बीमार आता है मुसलमान, उसका इलाज करते हैं या उसके इलाज को पैसा देते हैं, जो सवाब मिलता है वही सवाब इस मुल्क का किसी भी कौम का कोई मर्द आता है उसका इलाज करते हैं तो वही सवाब मिलता है। हमारे इस मुल्क के मुसलमान खिदमत के मैदान में आज तक हिंदू मुसलमान का तमीज नहीं किए, और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ये धरती
तमीज नहीं करेगा, इंसानियत के उनवान पर कभी तमीज नहीं करेगा। गर्ज मुझे वो बात अर्ज करना है, जैन मजहब के लोग उनमें भी गरीब है उनमें भी मालदार है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ मालदार हो, कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ गरीब हो। हर धर्म के अंदर गरीब भी है, हर धर्म के अंदर अमीर भी है। जैन मजहब में भी अमीर है गरीब है। मुझे खुद उस धर्म के एक बड़े ने कहा कि हमारे गांव का धर्म में भी खैर खैरात और सदकात है,